हेलो बच्चों, माय नेम इज़ विनीता शर्मा। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए क्लास 8 प्राची बुक चैप्टर 5 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की असाइनमेंट 5.6, और इसका क्वेश्चन नंबर 4 आज मैं करवाऊँगी आपको। सॉल्व द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है एक्स प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू 3। ठीक है बच्चों, ये जो हमारे को इक्वेशन दी हुई है इसमें एक सिंपल नंबर है और एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो हमें इसे ऐड करना है। ऐड किस तरह से करेंगे? एक्स प्लस एक्स अपॉन 2 को हम यहीं पे ऐड कर लेंगे। एक्स के नीचे कोई नंबर नहीं है तो मैं 1 पुट कर लूँगी और ये हो जाएगा 2 1 2। ठीक है, तो आ जाएगा आपको 1 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 आया, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से तो 2x आया। इसी तरह से 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आ जाएगा इक्वल टू 3 एज इट इज़। 2x प्लस एक्स हो जाएगा 3x, 3x अपॉन 2 इक्वल टू 3। बच्चों ये 3 अपॉन 2 एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 3 के साथ, क्योंकि मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए। पर क्या करते हैं बच्चों, जब रेशनल नंबर होता है ना तो क्या करते हैं, इक्वल टू के दूसरी साइड जाकर नंबर पलट जाता है, यानी रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, 3 अपॉन 2 का हो जाएगा 2 अपॉन 3, और 3 वन 3 पे ही कट जाएगा और मेरी एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक्स इक्वल टू 2। ओके, तो ये क्वेश्चन इस तरह से होगा। आगे समझ में? इसी का सेकेंड पार्ट है एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स अपॉन 4 इक्वल टू 1। इसको मैं माइनस कैसे करूँगी बच्चों? एलसीएम लेके करना पड़ेगा। दोनों नंबर एक टेबल में नहीं आते तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 12। फिर 3 को डिवाइड करेंगे 12 से तो 4 आया, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आया, 4 को डिवाइड करेंगे 12 से तो 3 आया, और x से मल्टीप्लाई करूँगी तो आ जाएगा 3x। अब 4 में से माइनस करूँगी, 3x हो जाएगा x अपॉन 12। ठीक है, x अपॉन 12 इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या होगी बच्चों? तो x की वैल्यू होगी मेरी, क्योंकि x अपॉन 12 है तो बच्चों यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है x के साथ 12। ठीक है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है ना, तो हो जाएगा 1 × 12 इक्वल टू, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 1 12, तो एक्स इक्वल टू 12 आ जाएगा मेरे पास। ओके, इसका नेक्स्ट पार्ट है थर्ड, एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स अपॉन 4 इक्वल टू 1। सारे नंबर्स किसी टेबल में नहीं आते, एक टेबल में नहीं आते ना, तो इनको नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 3 6 और 6 4 24। ओके, अब 24 को 2 से मैं डिवाइड करूँगी तो आएगा मेरे पास 12, और x से मल्टीप्लाई करूँगी तो 12x आ जाएगा। 3 को 24 से डिवाइड करूँगी तो आ जाएगा 8, और मल्टीप्लाई करूँगी x से तो 8x आ जाएगा। 24 को डिवाइड करूँगी 4 से तो आ जाएगा 6, और x से मल्टीप्लाई करूँगी तो आ जाएगा बच्चों 6x। ठीक है, और इक्वल टू 1 एज इट इज़। अब तीनों x की टर्म है तो हम ऐड कर सकते हैं, यह आ जाएगा 26x अपॉन में 24। ओके, और इक्वल टू 1। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, तो 24 अपॉन 26 आ जाएगा ये। तो मैं क्या करूँगी बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगी, 26x अपॉन 24 को 1 अपॉन 1 कर लेती हूँ दूसरी साइड, तो क्या हो जाएगा, x को मैं अगर यहीं रखूँगी एक साइड पे और x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो दूसरा नंबर जो रेशनल नंबर है दूसरी साइड जाके वो रेसिप्रोकल हो जाएगा और कट जाएगा। ठीक है, तो ये जाएगा 24 अपॉन 26। ओके, और कट हो जाएगा 2 के टेबल से, 12 अपॉन 13 आ जाएगी x की वैल्यू, तो इसका आंसर आ जाएगा। तो फोर्थ पार्ट है 3x अपॉन 7 माइनस 2x अपॉन 5 इक्वल टू 4 अपॉन 35। ठीक है, अब बच्चों दोनों x की टर्म है तो यहीं पे मैं माइनस कर लेती हूँ, 7 5 ज़ा 35। 7 को 35 को 7 से डिवाइड करूँगी तो क्या आएगा बच्चों, 5 आएगा। 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 15x आ जाएगा। अब 35 को 5 से डिवाइड करूँगी तो आ जाएगा 7, और 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो हो जाएगा 14x इक्वल टू 4 अपॉन 35। 15 माइनस 14 इक्वल टू आ जाएगा x अपॉन 35 इक्वल टू 4 अपॉन 35।
फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 35x इक्वल टू 4 इंटू 35, और यहाँ x रख दूंगी मैं x की वैल्यू निकालने के लिए, x को यहीं रखूंगी x की वैल्यू निकालने के लिए, और 35 से 35 कट हो जाएगा तो x की वैल्यू मेरे पास 4 आ जाएगी। इसी का फिफ्थ पार्ट है बच्चों, x अपॉन 3 प्लस x अपॉन 4 प्लस x अपॉन 5 इक्वल टू 1। इसको भी हम एलसीएम लेंगे तो क्या करेंगे, तीनों नंबर एक ही टेबल में नहीं आते, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो आ जाएगा 60। ठीक, तो 60 को 3 से डिवाइड करूँगी तो आएगा 20, 20 को x से मल्टीप्लाई करूँगी तो 20x आएगा, 4 को 60 से डिवाइड करूँगी तो आ जाएगा बच्चों 15, और 15 को x से मल्टीप्लाई करूँगी तो 15x आ जाएगा। इसी तरह से 60 को 5 से डिवाइड करूँगी तो आ जाएगा मेरे पास 12, ओके, तो 12 को x से मल्टीप्लाई करूँगी तो बच्चों फिर से 12x आ जाएगा। अब तीनों x की टर्म है मेरे पास, ठीक है, तो इनको हम प्लस कर लेंगे, प्लस करने पर आ जाएगा 47x अपॉन 60 इक्वल टू 1। ठीक, अब क्या करेंगे बच्चों, फिर से डिवाइड हो रहा है यहाँ पे 47 अपॉन में 60, तो उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है ना, आपको पता है डिवाइड हो रहा होता है जो नंबर दूसरी तरफ जाके रेसिप्रोकल हो जाता है, तो मेरे पास आ जाएगा x इक्वल टू 60 अपॉन 47। इसी का सिक्स्थ पार्ट है, 2x अपॉन 5 माइनस 3x अपॉन 4 इक्वल टू 3 अपॉन 10, तो 5 इंटू 4 हो जाएगा बच्चों 20। अब 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8x। अब 20 को फिर से 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 15x। ठीक है, इसी तरह से दोनों को हमने कर लिया, ओके, अब मेरे पास 3 अपॉन 10 इक्वल टू के बाद एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 माइनस 8 होगा तो माइनस 7 आएगा, ठीक है, क्योंकि 15 माइनस का बड़ा नंबर है, तो माइनस 7 अपॉन 20 आएगा, और इधर आ जाएगा इक्वल टू में 3 अपॉन 10। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा, माइनस 7 इंटू 10 और 3 इंटू 20। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, x को यहीं रखेंगे तो ये बाकी नंबर डिवाइड हो जाएंगे, 3 इंटू 20 अपॉन में माइनस 7 इंटू 10। ठीक है, 10 वन ज़ा 10, 10 टू ज़ा 20 कट जाएगा ये, ठीक है, और ये आ जाएगा 3 टू ज़ा 6 अपॉन माइनस 7। ठीक है, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, x इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 7, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसी का सेवन्थ पार्ट है, x अपॉन 4 माइनस x अपॉन 5 इक्वल टू 2। तो बच्चों करेंगे 4 5 ज़ा 20, 20 को डिवाइड करूँगी 4 से तो हो जाएगा 5, और x से मल्टीप्लाई करूँगी 5x आ जाएगा, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, मल्टीप्लाई करेंगे x से तो 4x आ जाएगा इक्वल टू 2। ठीक है, अब 5 माइनस 4 हो जाएगा x, यानी कि 1, 1 लिखते नहीं है तो x अपॉन 20 इक्वल टू 2, x को मैं यहीं रखूँगी, x की वैल्यू निकालनी है मुझे, और 20 डिवाइड हो रहा है ना तो 2 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगी x इक्वल टू 40। ठीक है, 22 ज़ा 40 होता है, x की वैल्यू मेरे पास 40 आ जाएगी, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसी का एट्थ पार्ट है, x प्लस x अपॉन 3 इक्वल टू 4। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, इसमें मैं x के नीचे 1 लगा लूँगी, ठीक है, तो 3 वन ज़ा 3, एलसीएम ले लेंगे इसका, ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 3x आ जाएगा, 3 को 3 से डिवाइड करूँगी तो x आ जाएगा। ठीक है, आपको एलसीएम लेके ऐड करना तो आ ही गया है बच्चों, तो इस तरह से मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 4x अपॉन 3। ठीक है, 3x प्लस 1 को ऐड करूँगी तो, ठीक है, और इक्वल टू 4 आ जाएगा, ओके। अब मैं क्या करूँगी, इसको x को यहीं रखूँगी, और यहाँ पर मेरा रेशनल नंबर है 4 अपॉन 3,
तो दूसरी तरफ इक्वल टू के दूसरी तरफ जाकर ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा मेरे पास 3/4, ठीक है, 4 × 3/4। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सब एक जैसे हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, x = 3। इसी का 9th पार्ट है, x/3 + x/18 = 3/2। अब बच्चों इसका एलसीएम लेके बता देती हूँ मैं, 3 और 18 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 के टेबल में 18 आता है, 3 × 1 = 3 और 3 × 6 = 18, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या आया, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। अब हो जाएगा 3 × 3 = 9 और 2 = 18, ठीक है। 18 को डिवाइड करूंगी 3 से तो आएगा 6, और x से मल्टीप्लाई करूंगी तो 6x आएगा। 18 को 18 से डिवाइड किया 1 आया, 1 से x को मल्टीप्लाई किया तो x ही आएगा, = 3/2। फिर से बच्चों इसको ऐड करेंगे, हो जाएगा 7x/18 = 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, 7x × 2 = 18 × 3। अब x को मैं ये रखूँगी 18 × 3 और अपॉन में आ जाएगा 7 × 2। 2 के टेबल पे 18 चला जाएगा, 2 × 9 = 18, 2 × 1 = 2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि और कट नहीं होगा ये, तो 9 × 3 होता है बच्चों 27, ठीक है, 27/7। तो x = आ गया मेरे पास 27/7, ठीक है।